हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आप लोगों से। क्लास टेंथ स्टूडेंट, हमारे पास टाइम कितना बाकी है? हमारे 3 महीने बाकी हैं और कौन कौन से मंथ हैं आप लोगों के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ। नवंबर, इस मामले नवंबर, दिसंबर, एंड जनवरी। यही 3 मंथ हमें बाकी हैं और इसमें जो हम लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज कम आ जाएंगे। और जो बोलता है कि परसेंटेज महीने नहीं लगते 11th 10th के, तो यार तुम्हें बता दें जेई नीट और जितने भी अच्छे अच्छे हैं जो पोस्ट हम लोग पाना जाते हैं, जिसमें अच्छा करना चाहते हैं जिस कॉलेज में, उसमें 75% जो क्राइटेरिया है वो लगता है। और अगर आप फिल्म स्टार, यूट्यूबर और कुछ भी अलग पढ़ाई से अलग करना चाहते हैं तो वहाँ पर नहीं लगेगा। और आप जो इसमें एफर्ट डाल रहे हैं वो भी बाद में जो पढ़ाई वाले हैं जिसमें कम परसेंटेज से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी इसमें जो आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे तो वही आदत रहेगा और आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही। अब हमें क्या क्या करना है, जैसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी स्थिति ऐसी है, ऐसी है कुछ भी नहीं पढ़ा, अब चाहते हैं कि 95%+ पा जाए, थोड़ा सा रियलिटी में आ जाओ, पा सकते हो, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर हम पाना चाहें इस समय तो 3 मंथ हैं, इतना है कि आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जब भी होगा तो फेब्रुअरी में स्टार्ट होगा। और आप आराम से मतलब ये नहीं आराम से, जैसे कि आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं आराम से। और आप क्या क्या करना चाहोगे, पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि आपको प्लान बनाना है। अब प्लान ऐसा नहीं कि हवा में बना दिए और हमसे फॉलो ही नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने बोला रियलिटी में हम क्या फॉलो कर सकते हैं वो ज़रूरी है। और वैसे तो स्ट्रेटजी बहुत सारी देते रहेंगे आप, लेकिन जैसे हमारे इतने चैप्टर्स हैं उनको पहले लिख लीजिए, पर डे वाइज लिख लीजिए कि आज मुझे इंग्लिश में एक चैप्टर खत्म करना है। इंग्लिश का तो सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि एक एक दिन एक एक चैप्टर खत्म कर लो, आराम से तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, मात्र आधे आधे घंटे में आप आराम से एक एक स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो। और जिन जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में तो और कम टाइम लगेगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, 10-10 मिनट की वीडियो हैं, उसको करिए। और फिर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जो भी आए हैं टॉपिक दिए गए हैं उसको आप एक बार अपने से कर लीजिए और अपने मैम सर से चेक करा लीजिए कि मेरा फॉर्मेट सही है कि नहीं, आप आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। अब बात रही SST की, तो SST की अगर अभी स्टार्ट नहीं किए हो तो उसके लिए दोस्तों से शॉर्ट नोट लो, मतलब कम से कम जिसने डिटेल में पढ़ाई की है उसका नोट्स लो। और नोट्स तो तुम्हें मैक्सिमम चांस है कि तुम बनाए ही होगे और बना लिए होगे, तो आराम से उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ो, रोज एक एक चैप्टर आराम से कर सकते हो, इतना टाइम है अभी। और अगर मैथ अभी भी कम है, आराम से 3-3 दिन 4-4 दिन एक चैप्टर पर लगा सकते हो। बस ये रहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर पेशेंस रहना चाहिए, धीरे धीरे देखोगे सब होने लगेगा, बस इतना बात है कि पेशेंस है तो सब मिल जाएगा। और जैसे इसमें स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी है प्लानिंग बनानी है आपको, इसमें 3 मंथ की प्लानिंग बनानी है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूड है आपका यानी चैप्टर तो होंगे ही जो जो पढ़ोगे, NCERT कहाँ से, NCERT से। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, और कुछ भी नहीं सोचना है। टाइम कम है, हमें मार्क्स भी चाहिए, आराम से हो जाएगा। जो हवाबाजी चलती है ना कि ये साइड बुक कर लो, वो साइड बुक कर लो, जो 12th पास कर चुका है आप उससे जाके पूछो कि क्या आता है, या फिर इस पर विश्वास नहीं है तो जो आपके टीचर्स हैं, टीचर्स एकदम अच्छे से बताएंगे और रियलिटी बताते हैं टीचर्स, जो जो भी कहीं गलती हो रही है आप तुरंत अपने टीचर से कंसल्ट करिए, ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं वो जानते हैं वो क्या आता है। और ज़्यादा नहीं तो यार प्रीवियस ईयर अभी 2021 का देख लेना, 2022 का देख लेना, आराम से पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो आराम से तुम्हें क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, बस रिवीजन करते जाना है,
जितनी बार रिवीजन कर सको उतनी बार करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, टेस्ट, आपके रिपोर्ट्स आए होंगे, आराम से आपका वहां से भी हो जाएगा टेस्ट बस। और ज्यादा स्ट्रेटेजिक वीडियो देखना जरूरत नहीं है, आपको जो टाइम टेबल बनाना है प्लानिंग में आपका टाइम टेबल आ गया। टाइम टेबल ऐसे रखना है कि आपको कम से कम अपने सेल्फ स्टडी जो है 6 आवर की करनी है। मैं 10 आवर नहीं बोलता क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि 10th सिलेबस उठना बड़ा नहीं है। अब लोग बोलेंगे आपको क्या पता कितना है, लेकिन नहीं, जो उसने पढ़ा है वो जान रहा है अच्छे से। आपकी क्लास का जो बच्चा कंप्लीट करके सिलेबस आगे होगा उससे भी पूछ लिया कितना टाइम लगता है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, इतनी घबराना नहीं है। जो गलतियाँ हो चुकी वो हो चुकी, और इतना सत्य है कि तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा तभी तुम पाओगे। अब तुम सोचो कि बिना मेहनत के तुम्हारा परसेंट 95% आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं वैसे बात नहीं करूँगा कि नहीं यूट्यूब है तो कुछ भी बोले, यहाँ पे यूट्यूब पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अब बहुत लोग हैं एक दिन में 95% कैसे लाए, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। और सबको मूर्ख बनाना हम नहीं चाहते। अब बात रही थ्री मंथ में आराम से पा सकते हैं, और अच्छी स्ट्रेटजी है ना तो 1 मंथ में पा सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि 1 हफ्ते में पा जाए, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। और 15 डेज वाली बात है, 15 डेज में वो नहीं पाते जिनकी कोई तैयारी नहीं होती, 15 डेज में वो पाते हैं बस जो क्वेश्चन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि 15 दिन मैंने तैयारी कर ली। अरे भैया आपने क्लास अटेंड किया था, आपने NCERT एक बार कर ली है, बस आपको रिविजन करना था। तो यार मैं रियलिटी बात करूंगा, आप आराम से उसके बाद टाइम टेबल बनाइए 6 आवर का। आप चाहें तो 2 आवर्स की सेटिंग रख सकते हैं, तीन सब्जेक्ट को खत्म करते चलिए, और जो इंग्लिश हिंदी है जैसे अल्टरनेट डेज भी रख सकते हैं। अब ये बात है कि मैं टाइम टेबल बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जो टाइम टेबल होगा वो सबको सूट करेगा, क्योंकि सब लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। और ऐसा पहली बात तो टाइम टेबल किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतना तो सोचना ही चाहिए। और इतने के लिए बस क्या चाहिए, प्लानिंग। पहले हमें क्या करना है, पहले चैप्टर कंप्लीट करना है जरूरी, प्लानिंग करना है, उसके अंदर क्या करना है टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल ये भी नहीं सुबह वाले ही सिर्फ पढ़ें, आप चाहे तो डे और नाइट दोनों कर सकते हैं, डे एंड नाइट दोनों टाइम स्टडी होती है। जैसे बोलो मैं टॉपर्स जो पढ़ते हैं वो डे पढ़ते हैं, नहीं पहली बात तो नाइट पे कम लोग पढ़ते ही है ना, इसीलिए तो टॉपर्स जो पढ़ते हैं उसमें से किसी का नाइट में ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग जब डे में ही पढ़ेंगे तो सीधी बात है टॉपर्स वहीं से आएंगे। बस इतना करना है, आप आराम से कंप्लीट 100% पा सकते हो अगर अच्छे से तुम्हारी राइटिंग भी है, तुम अच्छे ढंग से हो, और अगर सोचते रहोगे तो यार 50-60% पा जाओ उतनी बड़ी बात है। लेकिन 10th एग्जाम जो है काफ़ी ईजी है, इसकी वजह से आपको आराम से पा सकते हैं। और यही अब नहीं स्टार्ट किया तुमने, ये रियलिटी है, अब नहीं स्टार्ट किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ 3 मंथ है तुम्हारे पास, 3 मंथ, और हमेशा के लिए आप अच्छे परसेंटेज पाएंगे। और कॉलेज बारे में ये नहीं सोचना होगा कि परसेंटेज की वजह से मेरा कॉलेज बिगड़ गया, मतलब वो कॉलेज नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था, रियलिटी तो ये है। लेकिन ये रियलिटी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अगर रियलिटी बता दिया तो व्यू नहीं मिलेंगे ना, असली बात तो ये है। आदमी को भी चाहता है, ऐसे व्यूअर हैं देख रहे हैं आप सोचते हैं कि कितना ईजी बता दें, पढ़ाई यार सीधी बात है ऑनलाइन हुई है, लेकिन पढ़ने का मोड तो आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन, जो ऑफलाइन है जैसे आप पढ़ते हो स्टार्टिंग से वही पढ़ना है ना। नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आराम से हो जाएगा। आप सोचें कि बिना नोट्स बनाए, बिना शॉर्ट नोट्स बनाए, बिना प्रैक्टिस किए मार्क्स पा जाए तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप किसी टॉपर से पूछेंगे वो बता देगा, और उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है, आप आराम से NCERT करिए और फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए बस, और रिविजन करिए, फिर टेस्ट लें, टेस्ट बनाते रहिए, आराम से आप पा जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियो के लिए अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में भी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर किसी को भी टेंथ से रिलेटेड अगर कुछ भी टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो उसको भी शेयर कर देना। और बात करें इंग्लिश की तो मैक्सिमम चांस है कि जो इंग्लिश का जो आपका फ्रेज वाला पार्ट है वो मैं करा सकता हूँ आपके बोर्ड तक, क्योंकि मैं पहले नहीं बता सकता कि नहीं इतना हो जाएगा। और जहाँ तक बात है क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन, आप अपने भैया लोगों को शेयर कर देना फिजिकल एजुकेशन के लिए, मैं इतना पक्का है कि उन लोगों का फिजिकल एजुकेशन कराऊंगा
और ऐसा कराऊंगा पूरा, आप अपने टीचर्स के नोट्स से जाके मिला लेना, अगर आपको एक भी पॉइंट मिस करे तो बोलना, और जो भी टेस्ट टेस्ट में आएगा उसको एक बार पहले आपने टीचर्स वाला पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैथ्स मिला लेना क्या क्या है कंटेंट, उसके बाद जाना टेस्ट में देख लेना पूरा, अगर नहीं आया वैसा तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि यार मैं खुद पास हो चुका हूँ और हमने इसीलिए तो मैंने फिजिकल एजुकेशन भी किया है। फिजिकल एजुकेशन आप पूरा कमांड कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो, उसमें कम टाइम लगेगा और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब लोग फिक्स्चर बनाने में डरे रहते हैं, फिक्स्चर एकदम ईजी है, सिर्फ नाम की वजह से हलवा बना दिए हैं। इस वीडियो में यार इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।